75 का भाव हुआ करता था, कल का लो बना है 521 का और अब थोड़ा स्टेबल होता हुआ नजर आया है। मैनेजमेंट को हम लेके आए हैं समझाने के लिए कि जो सडन फॉल आया ये इसका कितना कारण जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स की वजह से है और कितना परमानेंट कारण है, कितना टेम्प्ररी कारण है। मिस्टर बुबना हमारे साथ हैं ये क्लैरिफिकेशन लाने के लिए। मिस्टर बुबना, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपकी कंपनी और आपके स्टॉक को मार्केट बहुत पसंद करता आया है अभी तक। इस क्वार्टर में थोड़ी चिंताएं आई टेबल पे कि यूरोपियन एक्सपोजर की वजह से रिजल्ट में इम्पैक्ट आया। आप ये समझाएंगे कि ये टेम्प्रेरी इम्पैक्ट है या परमानेंट है, कब तक ये रिवर्स हो सकता है, और दूसरा ये नोशनल इम्पैक्ट है या एक्चुअल लॉस है? सर जी, सभी सवालों का मैं जवाब दूंगा। एक तो ये टेम्प्रेरी है और दूसरा नोशनल भी है। हमारा पूरा परचेज है वो चाइना से होता है, वो यूएस डॉलर में होता है, और यूरोप का सेल जो ऑलमोस्ट 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू है वो यूरोज में होता है। सो यूरो डॉलर क्रॉस करेंसी फॉरेन एक्सचेंज जो है रेट है वो इसमें बड़ा रोल प्ले कर रही है। जो यूरो डॉलर क्रॉस करेंसी एक्सचेंज पहले ऑलमोस्ट 1.2 डॉलर टू यूरो होती थी, आजकल ऑलमोस्ट 1:1 हो गई है। और हमारा सेल यूरोप में सब यूरोज में होता है या वहाँ की लोकल छोटे देशों की, यूरोपियन देशों की लोकल करेंसी में होता है जो भी यूरो से यूरो पर डिपेंडेंट है। तो आज की तारीख में हम अगर एक डॉलर में कोई चीज़ खरीदते हैं और एक यूरो में बेचते हैं तो हमको कुछ फायदा नहीं होता है। और थोड़ी टाइम पहले एक डॉलर में खरीद के एक यूरो में बेचते हैं तो हमको 20% मार्जिन मिलता था। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बड़ी टेम्पररी चीज़ है और ये वापस रिकवर होगी। उनका कहना है कि यूरोपियन इकोनॉमी इतनी बुरी नहीं है, ये टेम्पररी इश्यू है। और दूसरा ये नोशनल इसलिए है कि एट द एंड ऑफ द क्वार्टर 30 जून को हमारे जितने भी रिसीवेबल्स होते हैं उनको री इवेल्युएट करके उस दिन की क्रॉस करेंसी एक्सचेंज रेट के हिसाब से आंका जाता है, जो कि एक्चुअली रियलाइजेशन नहीं है। जो रिसीवेबल्स हैं जो फ्यूचर में रिसीव होंगे, तो जब आगे जब रिसीव होंगे उस समय अगर यूरो डॉलर की रेट सुधर गई तो वो लॉस हमारा सचमुच नहीं होगा। राइट, बिल्कुल मिस्टर बुबना जी। मिस्टर बुबना, जैसे आप बता रहे हैं कि नोशनल है, लगभग 43 करोड़ का फॉरेक्स का लॉस आपका हुआ है, आप कह रहे हैं, लेकिन आगे जाते हुए सिचुएशन सुधर जाएगी। कुछ प्रोजेक्शन आपने लगाया कि कब तक सुधर जाएगी, कौन से क्वार्टर से इंप्रूव हो जाएगा? मैडम, अभी कल ही पहले यूरो डॉलर 1:1 था, कल ऑलमोस्ट 1.025 तक या 0.3 तक चला गया था। तो ये फ्लक्चुएट होते रहता है, बट इन जनरल this can be answered to you by people who are deeply studying the cross currency exchange rates. हम various consultants के touch में रहते हैं और उनका ये कहना है कि ये सुधरेगा, बढ़ेगा। ठीक है मिस्टर बुबना, एक चीज आपसे पता करनी थी। आपके ना पिछले 3-4 क्वार्टर्स में ऑन एन एवरेज आपने 20% के मार्जिन को मेंटेन रखा, 1-2% ऊपर नीचे जो भी हुआ, लेकिन एकाएक के मार्जिन्स गिर गए और आधे हो गए हैं। ये वापस रीगेन कब हो जाएगा? मैं एवरेज की ही बात बोल रहा हूँ, ये 20% वाले मार्जिन आपके कब वापस आ जाएंगे सर? ये सर थोड़ी समय में हो जाएगा, जैसे यूरो डॉलर एक्सचेंज रेट नॉर्मल होंगे तो ये भी सुधरेगा। सर 2 क्वार्टर में 6 महीने होते हैं। हाँ जी, ठीक है, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, जल्दी आपसे वापस मुलाकात होती है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।